एमआरपी 10 रुपए, तो सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न का प्राइस इतना ज्यादा क्यों? क्यों 10 रुपए की चीज खुलेआम 200 से भी ज्यादा रुपए में बेची जाती है? और क्यों 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल 100 रुपए तक बेची जाती है? और कैसे हिल स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर भी हमें चीजें इतनी महंगी बेची जाती हैं? और कुछ कंपनीज तो सिर्फ 1 लीटर पानी 5,000 रुपए में बेचती हैं। इतना ज्यादा प्राइस में डिफरेंस रख के सभी मिलकर हमें पागल बना रहे हैं मादर। आखिर सरकार ऐसी कंपनीज को रोकती क्यों नहीं 10-20 रुपए की चीजों को 200-300 में बेचने से? दरअसल इसके पीछे काफी कारण है। ऐसी बड़ी कंपनीज हमसे अपनी लग्जरी सर्विसेज प्रोवाइड करने का भी पैसा हमसे वसूल करती हैं, जैसे कि एसी, टेबल, सिनेमा, म्यूजिक और भी बहुत कुछ। लेकिन फिर भी किसी को भी अलाउड नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को एमआरपी यानी कि उसके मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा बेचने का। पर ऐसी बड़ी कंपनीज ने अपना प्रॉफिट वसूलने के लिए इसकी भी एक तरकीब निकाल ली। सिनेमा हॉल्स में जो पॉपकॉर्न बेचे जाते हैं उसे वो अपनी पैकेजिंग में बेचते हैं जिसपे उनकी अपनी एमआरपी होती है, और कोका कोला को भी उनकी अपनी पैकेजिंग में बेचा जाता है जैसे कि मैकडॉनल्ड्स में। और पॉपकॉर्न जैसी चीजों का प्राइस सरकार कंट्रोल नहीं करती, ऐसी चीजों का प्राइस मॉल्स एंड बाकी भी बड़ी कंपनीज खुद डिसाइड करती हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और जब पॉपकॉर्न आपको बनाकर उनकी खुद की पैकेजिंग में दिए जाते हैं तो वो पॉपकॉर्न की कीमत के साथ साथ बाकी लग्जरी माहौल जैसे कि एसी, म्यूजिक एंड रेंट जैसी चीजों का भी खर्चा आपसे वसूलते हैं। लेकिन काफी चीजों को तो कंपनी की खुद की पैकेजिंग में ही बेचा जाता है। एयरपोर्ट्स, हिल स्टेशन और डोमिनोज जैसे मल्टीनेशनल पिज्जा रेस्टोरेंट्स में प्रोडक्ट उनकी खुद की पैकेजिंग में नहीं बल्कि कंपनी की असली पैकेजिंग में ही बेचा जाता है। और कोई भी लीगली एक प्रोडक्ट की डुअल एमआरपी नहीं रख सकता, यानी कि एक प्रोडक्ट की एक ही एमआरपी होगी और सभी को उसी एमआरपी पर प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। लेकिन ऐसी बड़ी कंपनीज ने इस रूल से बचने की भी तरकीब निकाल ली। एयरपोर्ट्स और रेस्टोरेंट्स इन कंपनीज से अपनी स्पेशल एमआरपी प्रिंट करवाते हैं जिसमें वो अपने बाकी लग्जरी खर्चों को भी वसूलते हैं। इससे एमआरपी से ज्यादा बेचने वाला रूल भी नहीं तोड़ा जाता और कंपनीज भी प्रॉफिट में रहती हैं। और सिनेमा हॉल्स की टिकट की कीमत काफी कम आपको बस अपने जाल में फंसाने के लिए रखी जाती है। मूवी टिकट आपको सस्ती बेचकर बाद में आपसे पॉपकॉर्न और बाकी की खाने की चीजों पर ज्यादा खर्चा करवाया जाता है। और काफी लोग मूवी के इंटरवल में कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं। और सिनेमा हॉल्स का काफी ज्यादा प्रॉफिट टिकट से नहीं बल्कि इन खाने पीने की चीजों से ही आता है। लगभग 70% प्रॉफिट इन खाने पीने की चीजों का ही होता है। लेकिन पानी तो सबको फ्री में मिल जाता है, और अगर पानी की बोतल भी खरीदनी हो तो वो 20 या 30 रुपए में मिल जाती है। लेकिन फिर भी काफी कंपनीज सिर्फ 1 लीटर पानी को 5,000 रुपए में बेचती हैं। लेकिन क्यों और कैसे, जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें।